ठीक है भाई, कल हमने क्या पढ़ा था बूटस्ट्रैप में? जैसे ही 11 बजते हैं, अब आज तो 11 भी नहीं बजे अभी तक। अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं सर, और यहाँ से मॉड्यूल भी। कल हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? ये क्यों बंद किया है? जी, ठीक है भाई। मैंने एक यहाँ पर डिव बना दिया है और इस डिव के अंदर कुछ चीज़ें लिख दी हैं, और उसका रिजल्ट देखते हैं। बूट स्टेप इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से जा रहा है। अब एक क्लास है, इसको पास करने में क्या फर्क आया? कंटेनर में मतलब, तो पहले भी तो कंटेनर में था, कंटेनर क्या होगा? आओ इसको समझते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं बॉर्डर दिखा, बॉर्डर ये पूरा यहां तक कवर अप हुआ हुआ है। ठीक है, बॉर्डर बिल्कुल कॉर्नर तक जा रहा है। अगर मैं इसको क्लास पास कर देता हूं कंटेनर की, अब ये कवर अप। कंटेनर क्या होता है कि स्क्रीन से दोनों तरफ से थोड़ा सा क्या दे देना, मार्जिन दे देना। ठीक है, कंटेनर एक क्लास है जिसके अंदर, और अक्सर आपने देखा है, मैं भी जब नॉर्मली डिप बना रहा होता था तो मैं यही करता था, विड्थ थोड़ी सी कम करके मार्जिन ऑटो करता था, वो सेंटर आता था। यही काम हम भी कर सकते हैं ना, हम विड्थ अप्रॉक्स 90 VW के करके उसके बाद क्या कर दें, उसको मार्जिन ऑटो कर दें, वो क्या हो जाता है, सेंटर में आ जाता है। अच्छा देखते हैं ये कैसे चल रहा। 1 पॉइंट तक है ये ऐसे, ये देखो कंटेनर ही रहेगा पूरी जगह, कंटेनर है कंटेनर है, यहाँ आते साथ कंटेनर है कंटेनर है, ये जगह यहाँ पर आगे कंटेनर खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, और इस चीज को ऐसे दिखाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, डार्क अब सही हो गया। ठीक है, यहां तक देखो इतना फासला है दोनों साइड से, इससे ऊपर भी बड़ा फासला ही रहेगा, लेकिन ये कंटेनर रहेगा कंटेनर रहेगा। जैसे इस पॉइंट पर आ रहा है, देखो कंटेनर हो रहा है, ये एक पॉइंट है, यहाँ आगे कंटेनर खत्म हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि देखो जब बड़ी स्क्रीन है ना तो साइडों से थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ ही अच्छा लगता है, सेंटर में कॉन्टेक्स्ट हो। और आजकल जो ज़्यादातर नई वेबसाइट बन रही है वो होती है ऐसी है, मोबाइल शेप में शुरू हो जाती है, साइड से अच्छा खासा गैप होता है, अब सेंटर में पूरी वेबसाइट होती है, सेंटर वाला ही पार्ट मेजर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कंटेनर उस फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कंटेनर इस तरीके से चल रहा है ना, ये जो चीज चल रही है ये कंटेनर की वजह से चल रही है। ये कंटेनर आ गया यहाँ पर, ये कंटेनर की क्लास है जस्ट। इससे क्या आप ये समझ लो, जब भी किसी चीज का आप कंटेनर पास करते हो वो साइडों से मार्जिन लेके, और एक वेबसाइट के अंदर जितना काम होता है आप देखो, एक कंटेनर एक लाइन टॉप से लेके बॉटम तक एंड तक सारा काम एक सीरीज में चल रहा होता है, वो इसी कंटेनर की वजह से।
आप कार्ड बनाते हैं, कोई कहाँ है, कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई वहाँ से शुरू हो रहा है, नहीं, यहाँ कंटेनर दे दिया, सब एक लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सबका स्टार्ट एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? कंटेनर क्लास की वजह से। अब इस कंटेनर क्लास के साथ साथ कुछ चीजें आती हैं, जैसे मैं आता हूं, रिस्पॉन्सिव क्या चलता है भाई? अच्छा एक तो ये मीडिया क्यूरी खैर इसने दे दी, मैं बूटस्ट्रैप निकाल रहा था, जस्ट रिस्पॉन्सिव। ऐसे तो इसमें ये स्क्रीन साइज दे दिए, एस एम एक्सएल सारे यहाँ पर दिए हुए, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। आते हैं इसको देखते हैं, यूटिलिटी क्लासेस दे रहा है ये इसने दे दिया 576 से ऊपर ऊपर ये डिवाइसेस, उससे ऊपर ये डिवाइसेस, उससे ऊपर ये डिवाइसेस, उससे ऊपर ये डिवाइस, और उससे ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, ठीक है। ये हमारे पास पूरा डिव सिस्टम है कि भाई कोई चीज़ कैसे वर्क करेगी, फ्लोट एंड फ्लोट ये फलाना डिमकाना जैसे दिया हुआ। ये एस एम और ये लगाने से क्या होता है, किसी भी कंटेंट के ऊपर एस एम एल जी ये लगाने से उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। अच्छा इस स्क्रीन पर ये चीज़ अप्लाई करनी, अच्छा इस स्क्रीन पर क्या करनी है, ये चीज अप्लाई करनी। अभी हम करेंगे इसको तो फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे कंटेनर की बात थी, div डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर की एग्जांपल में भी ना यहाँ कंटेनर दिया हुआ होगा, इसको देखते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। वो वैसे बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट पर ही है, बूटस्ट्रैप 5। ये दिया हुआ इसने, कंटेनर कहां तक चलता है 540 तक, कंटेनर एसएमबी इसी के जैसे है 540, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, कंटेनर एमडी क्या है, मीडियम के हिसाब से चलेगा, एमडी मीडियम क्या है वो 720 है। ये कहां तक कंटेनर रहेगा, एलजी तक, ये एक्स्ट्रा लार्ज तक, ये फ्लड तक। फ्लड होता है असल में, कंटेनर फ्लड दे दो तो वो हर स्क्रीन पे क्या करता है, कंटेनर पूरी विड्थ ही लेता है, पूरी विड्थ ही लेता है, ठीक है। और अगर आप इसको कर दो कंटेनर तो जगह का, लेकिन इस कंटेनर पर भी डिपेंड करता है, ये भी डिफरेंट स्क्रीन के हिसाब से चलता है। आते हैं इसको 100 साइज कर लो, ये इसने सारे कंटेनर दिए हैं, ठीक है। एस एम एम डी एल जी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, ये क्या है, कंटेनर लार्ज स्क्रीन पर है। देखो मैंने और कम किया, अभी मेरी स्क्रीन देखो, मेरी स्क्रीन का साइज क्या है, 1300 समथिंग है, 1200 से 1400 के दरमियान जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। तो मेरी स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है, तो एक्स्ट्रा लार्ज पे ये क्या बना हुआ है, एक्स्ट्रा लार्ज तक ये क्या है, कंटेनर है। लेकिन ये स्क्रीन क्यों नहीं कंटेनर बनी, क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे जा रही है, किस पे जा रही है, एक्स्ट्रा। अगर मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे जाऊं तो फिर या तो उधर इंस्पेक्ट करूं या तो मैं इसका जूम आउट कर दूं। देखो अब ये स्क्रीन बहुत बड़ी हुई, 1400-1500-1600 इस तरीके से स्क्रीन होगी। अब मैं इसको जैसे जूम करूंगा, यहाँ 100 पर आया तो इसका मतलब मेरा 1300 समथिंग का स्क्रीन का साइज है, 1366 साइज या 67 ये, तो ये 1400 के अंदर अंदर है। इसलिए जरा सा जूम इन आउट करता हूँ तो देखो ये चीज़ बहुत, क्योंकि 1400 क्रॉस कर जाती है स्क्रीन। अब जूम करता हूँ तो स्क्रीन छोटी होना शुरू हो गई, अब ये 1366 है, जूम करूंगा और कम हो जाएगी, अभी तक 1200 से नीचे नहीं आई। जैसे ही 1200 से नीचे आएगी देखो ये भी खत्म, और नीचे आएगी देखो ये भी खत्म, और नीचे आएगी देखो अभी तक यही है, मीडियम भी खत्म, और नीचे आएगी देखो ये भी खत्म, ठीक है। इसको अगर आपने देखना हो तो हम ये कर सकते हैं,
इंस्पेक्ट कराओ, 1500 सबके सब कंटेनर दें, 1400 सबके सब कंटेनर है, 1399 ठीक है। फिर दूसरा ब्रेक पॉइंट था 1200 तक वो है, सही है, 1199 ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा। फिर उससे अगला है 992, ये ऐसा ही है, देखो 991 करूंगा वो भी कंटिन्यूस है। फिर अगला है मीडियम, मीडियम 767 तक होता है या 768 तक होता है समथिंग, ये भी खत्म ठीक है। उसके बाद शायद 540 था क्या था वो देख लो, पता नहीं 540 था क्या था वो देख लो, SM कहाँ तक है, 540 से 720 और 540 के दरमियान 720 पर आएगा, 720 कहाँ गया, 721 किस पर है इसका ब्रेक पॉइंट, फाइव फोर्टी ही दे रहा है, अच्छा 520 में देख रहा था क्या, 41 पे नहीं, ये किसी और ब्रेक पॉइंट पे चल रहा, खैर अभी देख लेते हैं, ये 580 70 ये 570 576 ये ब्रेक पॉइंट है और 575 ये ब्रेक पॉइंट है। ये आपके पास क्या हो गई स्क्रीन, हर स्क्रीन डिफरेंट बिहेवियर पे काम करिए, ये इसकी मीडिया क्यूरी, इसमें आपको कोई भी चीज ऐसे पास करनी है, आप SMSM लगा के करोगे वो चीज वैसे काम करना शुरू होगी। वैसे एग्जांपल में आते हैं यार, एक चीज ये करता हूँ मैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, वैसे जर्नल चीज़ों पे अप्लाई हो जाता है, मैं आता हूँ H1 क्लास नेम टेक्स्ट SM सेंटर, शायद SM सेंटर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सेंटर ही नहीं है भाई, टेक्स्ट सेंटर हुआ, देखो अगर मैं लिखूं टेक्स्ट सेंटर तो टेक्स्ट तो सेंटर हो गया, मैं लिख दिया टेक्स्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज सेंटर तो सेंटर ही नहीं होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक होगा। देखो ये अभी 1366 है मेरी स्क्रीन, जूम आउट करूं हो गया ठीक है, 1400 तक ये रहेगा इस तरह, मैं आता हूं इसको मैं कर देता हूं 1399, अब भी ऐसा ही 1400 पर आएगा सेंटर। अब इसी चीज को अगर मैं ये कर दूं एक्स्ट्रा लार्ज, तो एक्स्ट्रा लार्ज तक सेंटर रहना, ये 1200 तक क्या रहेगा सेंटर रहेगा, उससे नीचे जाएगा सर। फिर मैं ये कर दूं कि भाई आपने रहना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, और सारा डिफाइन कर सकता हूँ इस स्क्रीन पर, ये उस पर, ये उस पर, ये सब पर डिफाइन कर सकता हूँ, इसके स्टार्ट पर हो, इसमें राइट पर हो, इसमें लेफ्ट पर हो, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये था सेंटर था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पर ठीक है, यहाँ पर तो है ही ऐसे, ये जाएगा 1300 तक, तब भी ऐसा ही है। मैं कहता हूं एक्स्ट्रा लार्ज तक राइट हो गया, एक मिनट पहले ये डिफाइन करना होता है, राइट नहीं होता एंड होता है, ऐसा ही है। देखो वहीं पर आ गया दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, 1200 पर जाएगा तो राइट हो जाएगा, 1200 से ऊपर 1400 पे जाएगा तो ये हो जाएगा, हो गया। ये मीडिया क्यूरी लिखी है आपने, याद है उधर एट द रेट मीडिया क्यूरी और कॉल करो, इधर कुछ नहीं, ये SM XL SM MD ये है मीडियम डिवाइसिव। हाँ अगर आप अपनी मर्जी से ब्रेक पॉइंट बनाना चाहते हो, नहीं यार 372 पर आए 400 पर आए, आप जो पहला पॉइंट है 320 से स्टार्ट हुआ समझ लो, जीरो से स्टार्ट हुआ, वरना 320 या 380 की स्क्रीन पे स्टार्ट होगा और 540 तक जो पहला जाएगा SM की स्क्रीन जाएगी, फिर 540 से या 575 से 575 से लेकर आगे जाएगा जो 767 तक या 768 तक वो मीडियम में आएगी,
फिर 768 से लेके 992 तक वो लार जाएगी, फिर 992 से लेके 1200 एक्स्ट्रा लार्ज जाएगी, 1200 से ऊपर जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज, उससे ऊपर जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज इसके लिए। तो यहाँ पर ये उसके हिसाब से लगेगा। अब आप कोई भी चीज़ इस पर इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, समझ आई बात। इसका खास काम हम देखेंगे तब जब हम ग्रिड सिस्टम पर काम करेंगे, रिस्पॉन्सिव वाला काम सबसे ज़्यादा वहीं काम होता है। ये वाली बात समझ गए, कोई मसला तो नहीं, क्लियर है? ठीक है, आपने जस्ट स्क्रीन टेक्स्ट और जो भी चीज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है, कुछ पर नहीं भी होता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। टेक्स्ट कलर पे पता नहीं होता है, नहीं मुझे याद नहीं है, चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज और डेंजर, ये अप्लाई करके देख लेते हैं, कुछ चीज़ों पर अप्लाई नहीं भी होता। जैसे कलर पर नहीं अप्लाई होता, ठीक है, ये चीज़ कलर पर अप्लाई नहीं होती, एक्सेट्रा, बाकी सही लिखा हुआ है डेंजर टेक्स्ट। ठीक है, कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा खाली दे दूँ डेंजर, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर ये अप्लाई नहीं होता, वरना अदरवाइज बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिन पर आप ये अप्लाई करो। और वैसे अगर इसका कोई तरीका होगा तो आप उसको कॉपी करोगे, गूगल पर आकर लिखोगे, ये कॉपी पेस्ट कर दो, बूट स्टेप क्लास टेक्स डेंजर, ये तो दे दिया, टेक्स अलाइन बूट स्टेप दे रहा है, जरा भी इससे क्लास मिलती भी जो आपने लिखी अगर होगी ना तो आपके सामने स्टार्ट में ही आ जाएगी। अलाइन भी इसने दे दिया, वो भी दे दिया, टेक्स एंड दिया, देखो ये इसने करके भी बताया था, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट लगाया हुआ, एक्स्ट्रा लार्ज पर ये होना चाहिए, इस पर ये होना चाहिए, वो कलर पर अप्लाई नहीं होता, इस वजह से वो कलर चीज पर नहीं दिया, समझ आई ये बात। अब यहाँ आते हैं इस पर कुछ और प्रॉपर्टी, अब देखो वो बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, उनको हमने समझना है। मैं आता हूँ यहाँ डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर बन गया, ठीक है, काम करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर भी ठीक है, ताकि बॉर्डर दिखे, हो गया ठीक है, ये ऊपर जो लाइन आ रही है ना जरा सी है, और देखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि टू कर होगा, दिखना शुरू हो गया, बढ़ा दे भाई, बड़ा सा बॉर्डर देखना चाहिए, ठीक है, आओ इसके साथ खेलते हैं। डिव डॉट, इसको हम ये कर सकते हैं कार्ड दे देता हूँ मैं, क्लास होती है कार्ड, वैसे कार्ड की क्लास पास करूँगा, देखो एक खुद ही बॉर्डर वॉर्डर लगा हुआ आ गया, ठीक है, और इसको अब कार्ड जो है ना इसको हाइट विड्थ खुद देनी पड़ेगी, स्टाइल के लिए यहाँ से भी दे सकते हैं आप डॉट सी आर डी कार्ड, इतने से कि इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, देखो कार्ड ऑटो बंद करा के है, यानी बॉर्डर कॉर्नर भी हो गया सारे को, ये कार्ड डिस इसकी अपनी एक क्लास है, उसके बिहेवियर पे इसने ऑटोमेटिक, और बैकग्राउंड कलर वगैरह खुद उठा लिया, ठीक है, कार्ड के फॉर्मेट में खुद बखुद आ गया, एक जनरल कार्ड बन गया, समझ के बाद अब इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना है आप लिख दो, और कार्ड टाइटल होता है आर्ट कार्ड, जैसे मैं लिख देता हूँ h1.crd कार्ड टाइटल बोलते हैं शायद इसको, टेक्स्ट वाइट है क्या, अच्छा टेक्स्ट वाइट, ठीक है भाई, इस तरीके से ये शायद बहुत ज़्यादा दे दिए, मैं इसको कम कर सकता हूँ, h5 कर देता हूँ, ठीक है, ये बहुत इजी हो गया हमारे पास इस चीज़ को सेट करना। अच्छा एक और काम यहाँ ये करता हूँ कि मैं इसको भी हाइट देता हूँ यार, डॉट कंटेनर, अच्छा कभी भी कंटेनर को डायरेक्ट कॉल करके हाइट विट नहीं देना, क्योंकि कंटेनर तो आप पूरी उसमें यूज़ कर रहे होगे हर जगह, जनरल क्लास है, तो अगर आपने इसको हाइट देनी है असल में आप इसको कोई क्लास पास करोगे ऊपर उस क्लास से कॉल करोगे, कार्ड को भी ऐसा ही है ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्लास दे के आप चीज़ें सेट करोगे या यहीं पर हाइट विट दे दोगे, ठीक है, ज़्यादातर होता है बूटस्ट्रैप में वही स्टाइल साथ लिख कर दे देते हैं, अलग से वो नहीं लगाते। खैर यहाँ आता हूँ इसको दे देता हूँ हाइट 80 VH,
ठीक है, ये तो यार और ज़्यादा करते हैं तो 90 करते हैं। अब आओ इस कार्ड को कॉपी करते हैं। आ तो गया, ये तो बार भी नहीं कर रहा। अब देखो इस कार्ड है, इस पर आता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज पास करना शुरू करता हूँ। डी फ्लैक्स, सबसे पहला काम क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स। कितना आसान हो गया, ऊपर ना वहां जाके, और यहाँ आओ जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में क्या करना है, सेंटर करना है तो सेंटर लिखो, सेंटर हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन करना है तो स्पेस नहीं लगेगा, आखिरी लग बिटवीन कर दो, बिटवीन बिटवीन आ गया। अराउंड कर दो तो अराउंड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और क्या था, इवनली था शायद, इवनली और अराउंड एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है शायद, इवनली आ गया, ठीक है। बाकी ये चीजें हो गई बिल्कुल स्टैंडर्ड लिहाज के साथ। अब यहां ये भी कर सकते हो, फ्लैक्स WRAP रैप, ये भी लगा दो और ऐड करते हैं जरा सा। ठीक है, और उसकी अब हाइट हटा दो कार्ड की, अब जैसे लगाई थी कंटेनर को हटा दो, तो मैंने जनरल आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब इन कार्ड के दरमियान तो डिस्टेंस नहीं है, वैसे कार्ड ऐसे कॉपी किया हुआ है, जर्नल जब आप कार्ड कॉपी करेंगे आपको ऐसी कॉपी नहीं करना, वन टाइम में हटाता हूँ कार्ड को। आप क्लास पास कर दो MT2 या MY2 कर दो, दोनों साइडों से उठा लो। सही है भाई, ओके हो गया, ये आपके सामने कार्ड बनकर आ गया। चेक करते हैं ये बूट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिव बन गया सारा डेटा। कोड कितना सा है, कोड कितना सा क्या है, वही कोड है, कॉपी पेस्ट मारा है बस, लिंक लगाया। कार्ड को भी हाइट वेट ध्यान दिया, अगर स्टाइल के अंदर एक में दे देता ये भी ऊपर लिखने की जरूरत नहीं। समझ आई बात, ये बूट स्ट्रक्चर आपके लिए इतना आसान कर देते हैं। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ऐसे, बाकी सारी भी पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी वो सब भी ऐसे ही है। पोजीशनिंग चाहिए यार बूट स्ट्रक्चर पर आओ, अब इतना डीप डाउन खैर में पढ़ाने वाला नहीं, बार बार जाके पोजीशंस इन फुटबॉल से बूट स्ट्रक्चर सारी पोजीशन देगा, और पोजीशन से जबरदस्त काम भी करके दिखाया। आपको ज्यादातर जैसे काम चाहिए होंगे वैसी चीज आपको यहाँ ऐसे ही मिल रही होगी। ये देखो अलर्ट है, ये तीन बटन, इसको कॉपी करो, आप टेस्ट करते हैं, और ये भी वहां ऐसे ही शो हो रहा होगा, ये भी वही दिख रहे होंगे, वो उसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है, पैरेंट की वजह से। ये बटन यहाँ पे क्या होगा, जर्मनी होंगे कितने शुरू कार्ड कहाँ यार, डार्क को हटा के कर देते हैं, हट जाए यार बिल्कुल ही क्लास में, ये आ गए। आगे जाके हम जावास्क्रिप्ट पे देखेंगे ये नंबर कैसे चेंज होते हैं 9। और ये इसको देखो बहुत आसानी से लिखा, पहला बटन है ये रहा, इसमें ये 99 प्लस लिखा, प्लस 99 प्लस 100 वो चल रहा है। ये क्या किया हुआ है, पोजीशनिंग और स्पैन से खेला हुआ है, एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो डेटा डाला हुआ है ये रहा, मेल्स लिखा है ये लिख दिया, बाकी ये क्या किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव कर दी है। अगर इसकी पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव ना हो, कहाँ गया वो कहीं गया, चला गया पता है कहाँ, ये रहा दिखाई दे रहा है, ये टॉप जीरो, क्यों, क्योंकि टॉप दिया हुआ है जीरो स्टार्ट से, ये 100 दिया हुआ है 100%, टॉप कर दो 10, टॉप से 10 नहीं मेरे ख्याल वो उठाता है 25 या इस तरीके से अमाउंट उठाता होगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम इज टॉप जीरो
ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज ऐसे काम करी, तो किसी भी इसको पास करने, बाकी ये तो देखो पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप ये प्रॉपर्टियां अलग दी हुई, बाकी ये क्या राउंडेड पिल बीजी सेकेंडरी ये कलर दिया हुआ है, ये एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट मिडल बैच, इसको हटाओ जरा देखते हैं इससे क्या फर्क देता है, सेंटर करके दे रहा है टेक्स्ट, ठीक है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट मिडल बैच। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है ये देखने के लिए आपको सीएसएस डाउनलोड कर लो, कंट्रोल एफ दबा के फाइंड पर चले जाओ, इस क्लास में कौन सी प्रॉपर्टी लेके आपको, जैसे मुझे लगता है जहां तक ये है ट्रांसलेट मिडल बैच मार्जिन पैडिंग ही दिया। देखो इसको गौर से देखिए जनाब, इस शख्स को बड़े गौर से, ठीक है। अब देख लो क्या हाल है, और जैसे ये क्लास पास करते हैं अब देखो क्या हाल है, पैडिंग वैडिंग देखे अभी इसलिए, ठीक है। लेकिन नाम दिया हुआ कि ये खास पैडिंग इसके लिए बैच के लिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया पास किया गया, टॉप से 0 दिया हुआ है और यहाँ से 100 दिया गया, उस बिल्कुल 100 कॉर्नर पे टॉप और ये, लेकिन मसला ये एब्सोल्यूट किया तो अब वो किसी की बात नहीं मानेगा, ऐसा ही है। अब पेरेंट की बात मनवानी है तो पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव कर, जैसे पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है पेरेंट की बात ये, ठीक है। अब ये भी इसने दिया हुआ है कुछ चीजें, अच्छा ये जो दिया है क्लिप पाथ वाला काम है, एसवीजी वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वो काम इसने यूज किया था, यहाँ आ जाओ ये भी। तो ये छोटी छोटी ऐसे बटन और ऐसी ऐसी चीजें आपको बनी हुई यहाँ पर मिल जाती है बिल्कुल, जो कि हम बनी बनाई बस उठाते हैं और क्या करते हैं यूज कर देते हैं, सर्च करेंगे आपको उसके अंदर ये चीज क्या करेगी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। फ्लोट व्लोट भी ऐसे ही है भाई, इसमें आपको यार फ्लोट की पोजिशन और फ्लोट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आप देखो फ्लोट फ्लोट इन बूटस्ट्रैप खत्म पानी, ये लो फ्लोट फ्लोट स्टार्ट फ्लोट एंड फ्लोट नन खत्म बात, आपको पता है लेफ्ट और राइट उठाता है या नन उठाता है, ये इसने दे दिया। और फ्लोट कब करना है वो भी इसने दिया हुआ है, किस स्क्रीन पे करना है किस पर नहीं करना वो भी आपके पास है, बैक आ जाओ खत्म होगी। और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, और कौन सी बड़ी प्रॉपर्टीज आती है बताओ तो सही, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वो भी शायद है, बैकग्राउंड इमेज बूटस्ट्रैप 5, ये तो बैकग्राउंड कलर भी देता है, बैकग्राउंड इमेज नहीं, क्योंकि इमेज आपको सीएसएस से ही लगानी पड़ेगी, इमेज क्योंकि अलग से प्रोसेस है यूआरएल वगैरह का, तो वो वहां से मे बी साइजेस या वो भी वहीं से एडजस्ट होंगे। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज होती है, हाँ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एनिमेशन नहीं चलती बूटस्ट्रैप से, ट्रांसफॉर्म वो उसमें देता है ट्रांसफॉर्म इन बूटस्ट्रैप, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देख लेते ऑप्शंस, नहीं ट्रांसफॉर्म की भी प्रॉपर्टी मैंने कहा ना, एनिमेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं आती, रिएक्ट में है इसमें नहीं, रिएक्ट की जो हम रिएक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर तो ये बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, हम यूज़ ही नहीं करते सिर्फ कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, लोडर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ बनी बनाई आपको मिलती है, आप सिर्फ कॉपी करो और पेस्ट करो हर चीज़ चल जाती है। तो खैर ये थे इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिक चीज़ें, अब आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर एक ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप 5, ये काम कर रहा होता है इस पर रॉज और कॉलम के ऊपर, इसके ऊपर रॉन कॉलम के ऊपर बहुत आसान है, ये रहा एक डिप बना हुआ है देखो, यहाँ बस एक चीज आपको डिफाइन करनी होती है रॉस कितनी चाहिए, रॉ के अंदर लगता दो कितने कॉल होने चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप वो डिफाइन कर दो बाकी चीजें सिर्फ उसके थ्रू लगती है, रॉ जो है ना डिव डॉट आर ओ डब्ल्यू रॉ, ठीक है। अब यहाँ आते हैं डिव डॉट मैं लिख देता हूँ सी ओ यू एल कॉल 1 और यहाँ लिख देता हूँ और एक मिनट यार ये इस पे ये लगा हुआ है फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट ये सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई ये आ गया मेरे पास एक रॉ और ग्रिड सिस्टम। अच्छा ये दो चीज़ ये भी करनी है कि इसको हटाओ यहाँ से कट करो यहाँ लाओ और यहाँ पेस्ट करो, कंटेनर में इसका काम नहीं है, ये कंटेनर नहीं अब ये रॉ है, ठीक है। इस तरह पर आता हूँ मैं कॉल कॉपी करता हूँ
ठीक है, आता जा रहा है वन 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 वन। अच्छा एक काम ये करता हूँ, बूटस्ट्रैप जो है ना असल में हमें देता है 12 का ग्रिड सिस्टम। कितने का? 12 का ग्रिड सिस्टम देता है। अब आप उस ग्रिड सिस्टम के साथ जैसे खेल लो। बिल फर्स्ट, ये तीन ही आइटम्स हैं, तीनों ने ऑलरेडी देखो तीन तीन की जगह कवर की हुई है। और मैं एक काम भी करता हूँ ये कि इन तीनों में थोड़ा सा गैप देने के लिए एम एक्स वन कर देता हूँ, दोनों साइड से ये गैप देना, ठीक है? ये दे दीजिए, ये और ये तीन है। मैं इस पर कर दूँ कॉल टू, कॉल थ्री, और पीछे कितना बचता है? टू और थ्री फाइव चले गए, 12 में से 5 गए, 7 बचे। एक मिनट, एक प्रॉब्लम है, आई थिंक मार्जिन की वजह से दे रहा है। पहले वाले को देखो और इसको देखो, और ये पैडिंग भी हटा दिया है, बहुत इफेक्ट करता है इस पर ये पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें। एम एम ई जरा सा भी मार्जिन मिलता है साइड पर, चलो इसको कम करते हैं। अब देखो जरा, ये दो कॉलम्स की जगह ले रहा है, ये तीन कॉलम्स की जगह ले रहा है, और ये कितने की ले रहा है? जो बाकी बच गया वो, वैसे आई थिंक 7 की, अप्रोक्सीमेटली 7 की जगह ये लेता है। ग्रिड हमें असल में देता है कितने? 12 का कॉलम सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इसको मिटाऊँ, ऐसे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर आता हूँ, 1 कॉपी किया मैंने इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और हाँ, इसको मैंने कंटेनर में रखा हुआ, ये भी एक ब्लेंडर है। ग्रिड सिस्टम में तो टोटल जगह लेता है, इसलिए ये भी हटा रहा हूँ, सीधा रॉ पर ला रहा हूँ। और ये भी हटाना पड़ता है, कलर चेंज करता हूँ। वार्निंग और प्राइमरी और कोई कलर क्या था बताओ यार, इन्फो ठीक है भैया, आ गया लास्ट वाले के लिए और ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अगर सिस्टम हो गया, और 100 साइज पर रखना ही है। ये जो ग्रिड सिस्टम है इसमें हमारे पास कितने आइटम्स मौजूद हैं? 12। इसको गिन लेते हैं वैसे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का हमारे पास ग्रिड सिस्टम आ गया। अच्छा एक और कॉपी करके लेकर आते हैं, ठीक है? ये देखो नेक्स्ट लेवल पर आ गया, ये किस पर आ गया? नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया। और वो नेक्स्ट स्क्रीन पर आने की वजह क्या थी इसकी? में डाल ये आ गया, क्योंकि एक टाइम में वो एक रॉ के अंदर कितने बर्दाश्त करता है? 12। आप हाँ इसी को कॉपी कर लो, नीचे ले आओ दूसरी रॉ, इसको नीचे ले आओ तीसरी रॉ, ठीक है? जितनी रॉ जिस तरीके से आप बनाना चाहो क्या हो जाएगी, बनेगी। लेकिन एक रॉ में समझ लो, एक उसमें रॉ का जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर ये अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 12 आइटम अलाउ करता है। अब वो 12 पर आप जैसे डिवाइड करना चाहो वैसे होता है, एक स्क्रीन के हिसाब से। अगर आप ये कर दो, देखो
अगर आप बोल दो बिल फॉर ये सबको हटाता हूं, तीन तीन कर देता, हर एक एलिमेंट ने तीन तीन की जगह ली तो टोटल कितना बचा? तीन, हर एक ने एलिमेंट ने जगह ली तो 3 4 12, 12 के रॉस की जगह कवर होगी। हर रॉ में देखो चार ही हैं। अगर मैं इन सबको ऐसे कर दूं, अब इसी पे सारा गेम है, देखते जाओगे। ये रहा, तो मैं अगर इसको कर दूं, पहले वन कर दूं, पूरे 12 के 12 एक लाइन में आ गए। दो कर दूं, हर कॉलम दो की, हर आइटम दो कॉलम की जगह लेगा, टोटल 12 कॉलम है। कितने आ सकते हैं यहाँ पे आइटम्स, कितने आ सकते हैं? 6। तो जैसे ही दो किया एक लाइन में 6 आएंगे। अगर तीन कर दिया, हर आइटम तीन की जगह ले रहे और टोटल 12 है, तो कितने आएंगे? 4। तो देखो 4 आएंगे। फिर हर आइटम 4 की जगह ले रहे, 3। फिर उसके बाद 5 नहीं, हम सीधा 6 लिखते हैं, क्योंकि 5 से कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो दो दो आने चले। और अगर 12 लिख दूं तो हर आइटम इंडिविजुअल है। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर हो? ये ग्रिड सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है। और इसको एक और काम भी करता है, MT2। MT ही नहीं, MY टॉप बॉटम से ही गया। ये अब ग्रिड सिस्टम आ गया हमारे पास कि भाई जितनी हम यहाँ पे रेंज पास करेंगे, M1 तो सब 1 लेंगे, M2 करूंगा तो सारे 2 लेंगे, M3 करूंगा तो हर कॉलम उसके हिसाब से चल रहा है, किसी एक को स्पेसिफिक। हालांकि हम जो है ना इस पर एक जैसा काम कर रहे थे, लेकिन एक मसला है, आपने 3 कर दिया, अब आओ इंस्पेक्ट कर, वो ऐसे का ऐसा ही है। ये मसला ग्रिड में पहले भी था, कैसे सॉल्व किया था? यहां भी मीडिया क्यूरी लगाते हैं, आओ कैसे? अब आओ सबके लिए डिफाइन कर दो। मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो तो हर आइटम एक एक की जगह ले। अब हमारे पास देखो 12 के 12 इस तरीके से आ रहे हैं, कॉल में 12 के 12 आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे जाते हैं हम, ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर है, सॉरी एक एक की जगह ले रहे हैं एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर, सॉरी कॉल 12 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। कॉल एमडी ऑटो कॉल, अच्छा एक कॉल की क्लास पास करनी है उसके बाद, कॉल उसके बाद आते हैं कॉल हाइफन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ आ जाते हैं हर आइटम यहाँ पे एक एक की जगह ले। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक देखो एक एक की जगह ले रहा है हर आइटम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में लगा दिया। अब मैं आता हूँ कॉल हाइफन एक्स्ट्रा लार्ज तक हर आइटम जगह ले ले बिलफर्स, दो दो की, जब दो दो की जगह लेगा तो एक रॉ में 6 आएंगे। देखो अब बड़ी स्क्रीन पे जाता हूं तो इंडिविजुअल एक एक दिख रहा, छोटी स्क्रीन पर 6 6 दिखेंगे, ठीक है? उससे छोटी पर क्या है कॉल एमडी पर जाकर मुझे जो है 3 लग जाए, तो 3 का मतलब है एक उसमें 4 दिखेंगे। अब आओ यहां पर इससे छोटी पर आता हूं, देखो सबसे बड़ी स्क्रीन पर जाता हूं तो ये ऐसे दिख रहा है, उससे छोटे पर आता हूं तो ऐसे दिख रहा है 6 6, उससे छोटे पर आता हूं एमडी पे मिस्टेक है, क्या चीज? हाँ लार्ज नहीं दिया, सॉरी एलजी नहीं दिया, इसलिए वो दे रहा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज और ये इस पर आ जाते हैं 3 3 की जगह ले। यहाँ पर ये आया, यहाँ पर देखो 6 तक आ गया, तो 3 वाले पे कहाँ एरर दे रहा है? बहुत नीचे आके दे रहा है, 1 सेकंड, इसको यही समझना पड़ेगा मुझे। हम बैक से स्टार्ट कर लेते हैं, SM से
कॉल, मैं करता हूँ कॉल, एस एम पर जब आए तो हर आइटम कॉल, हर आइटम 12 की जगह लगा एस एम तक। ये एक ब्लेंडर है कि उल्टा चल रहा है, एस एम तक ये ऐसे ले रहा है, ठीक है। और मैक्स और मिन वाला कॉन्सेप्ट है, एस एम तक ये इतनी जगह ले रहा है, एस एम से नहीं, ठीक है। उसके बाद तो वो इंडिविजुअल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, एस एम तक ये इतनी जगह ले रहा है। इसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बताते हैं कॉल 12, बाय डिफॉल्ट 12 ही रहेगा, कॉल 12 देते हैं बाय डिफॉल्ट। और एस एम पर आगे एसएम पर ये आ गया, एलजी पर जाते हैं, वहां कर देते हैं 6 की जगह लेना शुरू कर दे, हाफ एलजी से पहले एमडी आ गया, एमडी पर जाके 6 की जगह लेना, दोबारा से चलाते हैं। ये वहां गड़बड़ थी रिफ्रेश में, इसीलिए दे रखा, बंद करके ऑन किया, प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ठीक है भाई, सही है भाई। यहां मैंने इसको ये डिफाइन किया, और एक और चीज यहां डिफाइन कर देता हूं मैं कि भाई ये जो एसएम है लोड नहीं हुआ था इससे पंगा करा था ये। एस एम के ऊपर एक और काम करते हैं, मैं एस एम यहाँ पर लेकर आता हूँ, स्टार्ट आते हैं यहाँ, इंस्पेक्ट करते हैं। छोटी स्क्रीन पर तो देखो सिंगल सिंगल दिखेगा, ठीक है, छोटी स्क्रीन तक 575 तक छोटी स्क्रीन पर, और उससे ऊपर मैंने इसको क्या दिखाना है, डबल। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, उससे पहले वाले पर 6 रखता हूँ, यहाँ पर ये ये रिफ्रेश में कितना कर रहा है, 540 से 6, और उसके बाद में कर देता हूँ ये 4, उसके बाद में कर देता हूँ ये कॉल, कॉल और नहीं एमडी के बाद लार्ज, लार्ज पर ये 3-3 दिखे, फिर कॉल, कॉल एक्स्ट्रा लार्ज, उस पर ये 2-2 दिखें, ठीक है, उसके बाद कॉल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, वहां जाके 1-1 दिखें। ये अब देखते हैं जरा दोबारा से 0 से चला के, सही है, बड़ी स्क्रीन पर ऐसे ही दिख रहा है, सबसे बड़ी स्क्रीन आएगी तो एक एक दिखेगा, छोटी स्क्रीन आएगी तो यानी कि 2 रॉज बन जाएंगी, एक पे 6 दिखेगा, उससे छोटी आएगी तो 4 दिखेंगे, उससे छोटी आएगी तो 3 दिखेंगे, उससे छोटी आएगी तो 2 दिखेंगे, जब छोटा मोबाइल स्क्रीन पर आएगा तो सिंगल दिखना शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ दोबारा से वन टाइम, अब वेरीफाई करते हैं 1400 या उससे बड़ी स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा, उससे छोटी पर आएगा 1200, जैसे ही क्रॉस करेगा ये 1200 तक, 1200 से 1400 6 दिखाएगा, उससे छोटे पर हमें 3 4 4 दिखाना शुरू करेगा, उससे छोटे पर 3-3 दिखाएगा, उससे छोटे पर 2, और उससे जितना भी छोटा है सबके सब 1 के वाला। जैसे बड़ी स्क्रीन आती है ना, अगर आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन है कंप्यूटर की तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज आ रही होती है, ठीक है, ये कोई मिसाल है। जैसे स्क्रीन छोटी होती है तो बिलफर्ज अगर जहाँ आपके पास 12 वीडियोज आ रही थी, अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, 6-6 आना शुरू हो गई, और स्क्रीन छोटी हो गई तो अब टैबलेट इसमें 4-4 नजर आना शुरू हो गई लैपटॉप की स्क्रीन पर, उससे छोटे टैबलेट पर आए तो 3-3 वीडियोज नजर आने शुरू,
और छोटे स्क्रीन पर आए, थोड़ा सा बड़े स्क्रीन वाला मोबाइल दो दिख रही है, या बिल्कुल छोटे मोबाइल पर क्या दिखेगा, सिंगल दिखेगा कि यूट्यूब के अब एक ही वीडियो मिला है। ठीक है, तो ये कार्ड्स की फॉर्मेटिंग है जो हम वहाँ से बना रहे थे। पहले भी यही चीज़ चलाई थी, अभी भी इशू ये था कि जब मैंने इसको बंद किया है ना कोड को, तो शायद ये लोड नहीं था, तो ये चीज़ है। अब इसको दोबारा वन टाइम दिखा देता हूँ आपको मैं कोड कैसे वर्किंग कर रहा है, देख लो। कॉल 12 जर्नल केस में ने दिया है कि भाई आपने पूरी ही जगह लेनी है। कॉल 12, 12 का मतलब पूरी, अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ ना तो यहाँ ये इश्यू हो सकता है कि एट दी एंड पर जाके ना 1200 से नीचे पर ये पंगा कर सकता है। खैर, इसलिए मैंने कॉल 12 शुरू में लगा दिया कि भाई इंडिविजुअल आम केस में आपने एक एक ही दिखाना है। उसके बाद स्मॉल स्क्रीन पर तक जो है, स्मॉल स्क्रीन तक SM तक जो हमारी सबसे छोटी स्क्रीन है, उस पे आपने 6 दिखाने, मतलब 6 का मतलब दो दो दिखाने, एक कॉलम 6 की जगह लेगा तो एक उसमें दो दिखाई देंगे एट अ टाइम। फिर मीडियम स्क्रीन पे जाएगा तो एक कॉलम 4 की जगह लेगा, जब 4 की जगह लेगा तो 4 3 12 तीन तीन दिखना शुरू होगा। उससे ऊपर जाएगा तो 3 के हिसाब से चलेगा, 3 4 अब उसके हिसाब से चलेगा, 4 दिखना शुरू हो जाएंगे। उससे ऊपर जाएगा 2 की जगह लेगा एक कॉलम, तो जब 2 की जगह लेगा 2 6 12 तो 6 नजर आना शुरू हो जाएंगे। और उससे स्क्रीन पे जाएगा, हर कॉलम सिर्फ एक कॉलम की जगह लेगा तो 12 नजर आ सकते हैं एक लाइन में, इसने भी एक की जगह, इसने भी एक की जगह, इसने भी एक, तो 1 1 1 करके सारे नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1400 प्लस पर एक एक, इससे डाउन पर आते हैं तो हर कॉलम दो दो की जगह लेगा। देखो 12 की टोटल जगह थी, हर एक को एक एक कॉलम मिला तो 12 के 12 आइटम लाइन से शुरू। इसके बाद हर आइटम में 2 की जगह ले ली तो फिर क्या हो गया, 6 नजर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, हर आइटम में 3 की जगह ले, 3 4 12 4 4 नजर आना शुरू हो गया। उससे नीचे गए तो हर आइटम में 4 की जगह ली तो 3 3 नजर आना शुरू हो गया। उससे आगे गए, हर आइटम में 6 6 की जगह लेने शुरू की तो 2 2 नजर आना शुरू हो गया। उससे नीचे आए तो हर आइटम ने 1 की जगह ली, एक ही कॉलम सिस्टम बनता है। अब ये वैसा ही जैसा रिस्पॉन्सिव सिस्टम हमने ग्रिड से बनाया था ना वो ये, लेकिन इसका कोड देखो उससे बहुत छोटा है। सिर्फ कॉल की क्लास है, SM, MD, LG, XL, एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज पर हर कॉलम एक एक जगह लेगा, ये याद रख लो। एक्स्ट्रा लार्ज पर 1 इसलिए लिखा है कि एक्स्ट्रा लार्ज पे हर कॉलम एक ही की जगह लेगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ ना जैसे 12, अब क्या होगा, पहले वाले ने पूरे 12 की जगह ली है या नहीं, और देखो बाकी जितने बचे उन सब ने एक एक की जगह ली, अभी भी एक की जगह कम है, एक यहाँ आ सकता है, समझे बात। ये इसने पूरे 12 की जगह ले ली, अगर सबको 12 कर देता और दूसरे को भी 12 करूँ, देखो ये भी इस स्क्रीन पर आके 2 की जगह ले। ठीक है, ये तो ये जिस स्क्रीन पर आप डिसाइड करोगे वो उस स्क्रीन के हिसाब से क्या करेगा, काम करेगा। समझ गए यहाँ तक बात, ये इसका रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम है। अब आपकी जितनी प्रॉपर्टियाँ 1 बाय 1 पड़ी हैं सारी अप्लाई करो और यही चीज़ की प्रैक्टिस बना कर। इसके बाद मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो जो इमेज और साथ रखने वाला ना, जितने भी 2 कॉलम चल रहे हैं, जैसे अगर इसकी एग्जांपल दूं, ये वाला जो काम चल रहा है ना, ये बहुत आसान है इसके साथ बनाना। 2 इमेजेस डाल के उनको साइज देके मिनट के अंदर बन जाता है 2 कॉलम, 6 6 इन दोनों को डिवाइड करके दिया, मतलब टोटल कॉलम कितना होता है 12, इन दोनों को कॉल 6 दिया है तो 6 और 6 दोनों साथ आ रहे हैं। जैसे ही स्क्रीन चेंज होती है, साइज कम होता है, जितने पे भी 992 पे रखा हुआ है, जो भी इसने रखा हुआ है उस पर जाके ये क्या हो जाते हैं, कॉल 12, या अकेला 12 की जगह लेता है या अकेला 12 की जगह लेता है। इससे ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे 12 12, इससे भी यही, इससे छोटे पे ये दोनों इस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ आएंगे तो इंडिविजुअल आ रहे हैं। ये फर्क बात समझ में आई, चलो इसको लगाओ, शाबाश शुरू। फिर इसी की एग्जांपल हम देखते हैं पिक्चर फॉर्म। अब आपको बूटस्ट्रैप का एक बहुत पावरफुल फीचर दिखाता हूँ, ठीक है, क्या करना है, बहुत पावरफुल फीचर्स बूटस्ट्रैप का दिखाते हैं। अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, अभी तो हमने सिर्फ चीज़ें समझी हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे वर्किंग करती है। बूटस्ट्रैप असल में फ्रेमवर्क है, मतलब प्री डिफाइंड क्लासेज है, उसमें पहले से बनी हुई क्लासेज। हाँ, उसको आप एडिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास उसको एडिट भी किया जा सकता है, क्लियर। ऑनलाइन को एडिट हम नहीं कर सकते, जिसने बनाई है वही एडिट करके वही लाइव कर सकता है। जैसे समझ लो नेटलिफाई का उसने कोड पुश कर दिया, वो खुद करके पुश करेगा तो फिर ही हो जाएगा,
यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी और क्लियर। अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं हम इसके हवाले से, ठीक है भाई। ये रहा बूटस्ट्रैप का जो मेन मकसद है ना, इतनी डीप डाउन। ये तो अच्छा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं फटाफट कर, लेकिन बूटस्ट्रैप बहुत सारी चीजें आपको फैसिलिटेट कर देता है। कैसे, आओ देखते हैं। गूगल पर आते हैं। बूटस्ट्रैप को हम ना तीन तरह से यूज करते हैं। कितनी तरह से? तीन तरह से। पहला मेथड वन, दूसरा मेथड टू, तीसरा मेथड थ्री। जर्नल केस में जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो। पहला केस था कि बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन देखा, उसकी सिर्फ क्लासेस देखी। अच्छा, इसमें ये टूल होता है, ये क्लास होती है, ये क्लास होती है, ये क्लास होती है, ये क्लास होती है, वो समझ। दूसरा स्टेप होता है बूटस्ट्रैप का, उससे भी क्लासेस वाला। देखो क्लासेस का काम भी आसान हो गया ना, सीएसएस से क्लासेस लगाना आसान हो गया। दूसरा काम और आसान है कि बूटस्ट्रैप में आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कंपोनेंट मतलब पार्ट्स मिल जाते हैं बने बनाए, ठीक है। आप वो आपको जीरो से बनाना नहीं पड़ता, आप वो बस पार्ट लाओ और फिट करो जहां पर है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, शायान और तहाई, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वो क्या है, आओ देखते हैं। बूट स्ट्रैप फाइव लिखता हूं मैं, सिंपल इंट्रोडक्शन। अच्छा अब देखो ये है कार्ड वार्ड सारी चीजें हटाता हूं मैं, स्टाइल की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, हटा देता हूं इसको। बस एक सिंपल है लिंक लगा हुआ, वरना मैं इसको बिल्कुल रिमूव करके लगाता हूं। मुझे बूट स्ट्रैप के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कंपोनेंट्स इस पर आता हूं। मल्टीपल चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या है। सबसे बेसिक चीज वेबसाइट स्टार्ट होती है, क्या होता है? आओ नेबार बनाते हैं। नेबार बनाना यार बड़ी मेहनत लगती है। नेबार बनाते हुए कॉपी किया, यहाँ आए, पेस्ट किया, खत्म। इधर आओ, रिस्पॉन्सिव नेबार रेडी है, ये क्लिक करो, कहानी खत्म। यहाँ आओ, बीजी डार्क नेबार डाउन मेन्यू भी है, बहुत टाइम इसको बनाने में। ये रहा, ये रहा, और ये भी अपने हिसाब से चल रहा है। इसने कहा बीजी नेबार एक्सपेंड हो रहा है एक्सेल पर, आप अपने हिसाब से उसको कर दो एसएम पर। तो अब इस स्क्रीन पर ये नेबार ऐसा ही है, देख रहे हो, अभी ऐसा नहीं हुआ। इसको मैं बिल्कुल छोटी स्क्रीन पर ले जाऊंगा ना, तब जाके ये चेंज होगा। सॉरी, ये हाँ से बिल्कुल छोटी स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, वही 540 वाली, तब जाके ये करेगा। अब अगर खराब हो रहा है आपको लग रहा है, तो बेशक आप कर दो यार, एस एम बहुत छोटा है, आप एक काम कर दो एमडी पे कर दो, एमडी पर ही एक्सपेंड हो जाएगा। ये चल रहा है एमडी क्या है, 76 समथिंग पर ये रहा, तब तक ये ऐसे रहेगा, हर चीज प्रॉपर वे में वर्किंग में। ये बटन ये रहा, बटन को चेंज करना है, चलो आओ यार, ये इसके अंदर कंपोनेंट हर चीज बनी हुई है। बटन ये रहा, नीचे नजर आ जाएगा आपको बटन ये रहा भाई, बटन आउटलाइन वाला दिया, हटाओ यार बटन, ऐसे डायरेक्ट कर दो, सीधा सीधा बटन। बात समझ में आई, क्लियर हुई? तो देखा बूटस्ट्रैप कितना, और ये डिसेबल वाले बटन्स दिए हुए, ये नहीं है यार इसमें तो सर यही है, और आइटम भी ऐड करना तो करो ना, किसने रोका है। एलआई कॉपी करो, आ गए। होम है, टेक्स्ट चेंज करना है चेंज कर दो यार, होम अबाउट फिलाना और टिपकाना जो करना है कर दो, जो चीज नहीं जरूरत सर ड्रॉप डाउन नहीं जरूरत तो डिलीट मार दो भाई इसको, डिसेबल नहीं चाहिए, यहाँ आओ ढूंढो ये रहा डिसेबल्ड वाला एलआई, इस पूरे एलआई को मिटा दो, नेबलिंग सही हट गया। ड्रॉप डाउन चाहिए ठीक है, लिंक चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए लिंक इसको भी आप बोलो भाई छुट्टी दे दीजिए, लिंक आप भी छुट्टी कर, हो गया। ब्रांड है, इधर आ जाओ नेबार के अंदर, यहाँ से ये नेबार का ब्रांड हटा के पिक्चर है, तो पिक्चर लगा दो छोटी सी, खत्म बात, कहानी। आईएमजी इमेज डाल के इमेज डाल दो, ये नेबार आपको मिल गया, ऑटोमेटिक बना हुआ है, सारी चीजें ऑटो एडजस्ट हुई हुई, ये रहा यहाँ। बाकी मैं इसको एडिट करना डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी तो सिर्फ जनरल कंपोनेंट बता रहा हूँ, ठीक है वो आ गया। अच्छा इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप कर सकते हैं। अच्छा मैंने लिखा हुआ ही नहीं, नए बार मिटा दिया, ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई, ओके। अब आओ यहाँ पे नीचे आओ, नए बार बन गया, एक वेबसाइट बना रहे, एक मिनट रुक गया बेटा। डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर ठीक है, यहाँ पे कंटेनर में हम मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और भी जो चीज आप चाहो। मैं एक काम करता हूँ, इधर आओ,
कैरोसोल्स डाल दे। चलो यार होम पेज बनाते हैं। इमेजेस इमेज नहीं पड़ी थी क्या मेरे पास? कहीं कोई इमेज ही नहीं है। पिक्सेल्स वॉलपेपर्स वॉलपेपर वाइड में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर। कॉपी कहाँ लिखा है? कॉपी इमेज नहीं कहीं दिख रहा है। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ इमेज नहीं होता इमेज एड्रेस। ठीक है अच्छा ये हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है, हाइट आप कम कर सकते हो, हाइट दे देना इसी को क्लास दे के ऊपर वो पास कर देना। मैं खैर अभी हटाता हूँ, दो तीन इसने दिए हुए, मैं सिंगल रखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ सिंगल रख देता हूँ। हाँ और एक और भी मसला है कि मैंने इसको खुद कंटेनर में डाला था वो भी इशू दे रहा है। ये रहा आई थिंक कंटेनर में कंटेनर वाला इशू भी हो गया सॉर्ट आउट। अच्छा अब इमेज है 100 विड्थ 50 करता हूँ कितनी आ रही है। 100 विड्थ स्टाइल देना पड़ेगा इसको, एक स्टाइल स्टाइल में हाइट 90 एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका एक सेक्शन रेडी है। अच्छा अब इसको ज़रा बंद करते हैं। अच्छा इसमें जो दूसरे पार्ट थे ना दूसरे, ये जो मैंने रिमूव किए ये भी आप ऐड करो तो इसके अंदर कैरोसोल वाला पूरा प्रोसेस आ जाता है। कहाँ गया वो? सेकंड ये जो मैंने ऐड किए हुए थे पार्ट इन पर भी है ना, मैं इन सब पर आता हूँ। हाइट नहीं वो क्या था, इमेज डायरेक्ट भी हाइट उठाती है लेकिन हम यहाँ से उठाते हाइट 90। ठीक है भाई और ये देखिए ये इसके बटन दिए हुए हैं दो। ठीक है इन बटन्स को भी आप कलर दे सकते हो, प्रीवियस बटन और फलाना बटन और ये ये आ गया कैरोसोल। कैरोसोल के अंदर इमेज हाइट वेट एक मिनट इन सबको वन बाय वन बंद करता हूँ। प्रीवियस बटन है ये पैन में दिया हुआ टू आई थिंक यही वाला है, यही है एक येरा और एक येरा। इनको कलर देके देखते हैं बीजी में है शायद, यहाँ चेक करते हैं किस पे है कलर। अच्छा ये हर चीज़ हो जाएगी, मैं सारी चीज़ें आपको करके दे दूँगा कि आप टेंशन लें। किस पे? बटन पे सर। नहीं बटन में करके दे दूँगा, मैं करके दे दूँगा बता रहा हूँ कि ये डिटेल में। खैर इसको हम वन बाय वन ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज है वन बाय वन हम इनको देखेंगे। मैं तो जर्नल आपको जितने आइटम्स है वो बता रहा हूँ। खैर एक हमारे पास कंटेनर बन गया। अब आता हूँ डिव डॉट कंटेनर कंटेनर आते हैं यहाँ पे। ठीक है ये इसके नीचे एक कंटेनर बन रहा है, इस पर आप चाहो तो बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, अदरवाइज कर दो एम्प्टी 3 या 5 कर दो। ठीक है अब आ गया उसमें एक काम करना है डी बाद में करते हैं यहाँ बूट स्टेप पर कार्ड्स लिख दो तो भी आ गया ये बना बनाया कार्ड। अब कॉपी करो इसको सिंपल खत्म हो गई कहानी, नीचे कार्ड आ गया कंट्रोल कार्ड बन गया। ठीक है एक कार्ड आ गया, ऐसे आप जितने कार्ड ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। इमेज का लिंक मेरे पास कॉपी हुआ है, इमेज का लिंक ये रहा बब्बर शेर की इमेज। एक मिनट तो यहाँ आओ क्या था आपकी इमेज एड्रेस, बस इमेज थोड़ी सी एडजस्ट करना होता है क्योंकि हाइट विड्थ इमेज उसके एग्जैक्ट साइज की नहीं होती, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो भी एडजस्ट हो जाए तो मसला नहीं। ये आ गई एक, अब देखो यहाँ पर आते हैं कॉपी का एक मिनट ये बाकी सब हो गया और कार्ड्स के अंदर ये करते हैं
MT2 नहीं, MY1 कर देते हैं। ये आ गई लाइन से। अब आओ यहाँ पे इस कार्ड को देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए चीजें सेट करना। डी फ्लैक्स जस्टी फाइव कंटेंट अराउंड या बिटवीन कर लेते हैं। बिटवीन और क्या होता है फ्लैक्स रैप और बाकी अलाइन आइटम्स वगैरह लगा देना। ये आपके ऊपर कार्ड सिस्टम बन गया वेबसाइट के अंदर। इतनी आपने फटाफट से कॉपी पेस्ट मार के कर दी रेडी कर दी। अब जितनी चीज़ें आप यहाँ आओगे ना और इसके बाद ये जैसे ये वाला पार्ट इतना समय रेडी कर लेता हूँ फिर जितनी डालें या एक ही कार्ड सेक्शन बना देते हैं एक कार्ड बता देते हैं। हो गया क्लोज सेक्शंस बन गए पूरे पूरे क्लोज हो गए। चलो भाई एक ये सेक्शन है बार का ये आ गया। अब आओ यहाँ पे दूसरा सेक्शन बना देते हैं। हर किस्म के कार्ड्स वगैरह यहाँ दिए हुए आपको। ये रहा यहाँ तक बन चुका है। अब आगे चलते हैं क्लोजर बटन्स कोलैप्स बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं भाई। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो यहाँ पर अलग अलग भी बताई गई हैं। ड्रॉप डाउन मोडल्स हैं, नेबार है, ऑफ कैनवास है, पेजिनेशंस का कॉन्सेप्ट है। पेजिनेशन क्या है ये वाला ये जो आप बनाते हैं ना ये अब देखो बना बनाया मिल जाएगा। ये पूरी एक नीचे लाइन लगा सकते हैं इमेजेस के साथ आप। टूल टिप्स हैं और यहाँ एक चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम कॉर्ड अकॉर्डियंस अकॉर्डियंस। ये सब वन बाय वन इसीलिए दिखा रहा था कि आपको पता चले। ये रख इसको उठाया कॉपी किया पेस्ट किया बस कहानी खत्म। एक अलग से ही पूरा पार्ट आ गया इसको बोल द एम एम वाई 3 या 5 कर दो। ठीक है ये पूरा सेक्शन इसके अंदर एक अलग से बन गया समझे बात। अब ये क्या है ये बहुत आसान काम है आपके लिए ठीक कर देते हैं खाली टॉप से खिला देते। ये आपके पास अकॉर्डियन भी बना गया। अकॉर्डियन क्या है असल में वो चीज़ है वो जो वहाँ पर आपने देखा है। एम बी फाइव करते हैं वैसे चेक बॉटम से इतना डिस्टेंस नहीं होता। अब ये दूसरा सेक्शन भी से अब ये कलर वलर छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये कैसे एडिट होंगी क्या क्लास कितनी चल रही है किससे क्या होगा ये सब डिटेल में हम देखेंगे। वैसे आइटम अब ये आइटम आपने यहाँ पर भी देखा होगा अगर आपके जहन में आता हो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपने देखा होता है एट दी एंड वाला पार्ट अकॉर्डियन। ये बिल्कुल एज इट इज इसके थ्रू बनाना ये बहुत आसान हो जाता है। ये अकॉर्डियन है ठीक है इस तरीके से। फिर इस तरह बूटस्ट्रैप में आओगे बहुत सारे कंपोनेंट्स और हैं। जैसे ये तो अकॉर्डियन दिया है अलर्ट्स के लिए बटन है खाली मुख्तलिफ किस्म के ये आते हैं अलर्ट्स कहीं लगे हुए होते हैं ये दिखा सकते हो। फिर आ जाओ बैच हैं ये तो नैब बार के अंदर वाला पार्ट है। बटन्स आ गए कार्ड्स आ गए कैरोसोल आ गया ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ सकती हैं ठीक है। ये रहा वो जो ड्रॉप डाउन आपने अलग से देखा था ना एक पूरी मेन्यू यहाँ पर आता है। इधर आ जाओ देखो फॉर्म ये रहा पूरा फॉर्म बना बनाया हर किस्म का फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा। फील्ड्स आप ऐड कर सकते हो ये कर सकते हो मेरे बिल फर्द अभी आर्जी तौर पर ये एक फॉर्म है इसको बढ़ा सकते हो दो चार आइटम्स और डाल दो उसमें ये भी बन जाएगा। डिव डॉट हो गया और यहाँ आते एम वाई ठीक है और ये कंटेनर नहीं था इस वजह से ये पूरा कॉन्टेक्स्ट फॉर्म। बाकी इसको बॉर्डर देना हो तो यहाँ आके बॉर्डर दे दो यार क्लास बॉर्डर ठीक है बॉर्डर आ गया। पैडिंग देनी हो तो P3 तो ज़रा सा वो पैडिंग से ले लेगा अपने कंपोनेंट के साथ। ये देखो ये बना हुआ आ गया इस पर भी आप ये कर सकते हो P PT टॉप से पैडिंग दे देगा ये नीचे आ जाएगा। उस वाले को अकॉर्डियन को भी ये कर सकते हो PT5 ये भी टॉप से पैडिंग दे देगा उनके जरूर कॉन्टैक्ट। बाकी बढ़ाना हो तो ये रहा अब ये डार्क बैकग्राउंड बाकी देने ये पूरा एक कॉन्टैक्ट सेक्शन बन गया। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ आ जाओ आप H1 डाल दो लिख दो भाई
लॉरेम कंटेंट सेक्शन, इसको करना यहाँ ये आ गया, और यहाँ कर दो ये आ गया कॉन्टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है भाई ये आ गया। इसी तरीके से इसी चीज़ को कॉपी मारो, इधर आओ, होता ना सारे सेक्शन एक जैसे, यहाँ पर आ गए, इसको बोल दो डीएम्स सेक्शन, ये अकॉर्डियन सेक्शन आ गया, ये आ जाओ प्रोडक्ट का दे दो, अच्छा यहाँ एक चीज़ है कि ये वाला टेब है ना, यहाँ इसको ऐसे रखते हैं, ये सब ऐसे ही है, ये सब यहाँ से कट करते हैं, पहले यहाँ पे एक टेब बनाते हैं, इसके अंदर क्लास देते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज पास करते हैं, ये टेब कार्ड का टेब कहाँ खत्म है, ये कार्ड है, ओके हो गया, ये कार्ड का अलग टेब बना दिया, वरना इसके साथ ही मिल जाता है, ठीक है ये चीज़ पे आती है, इसको बोल देता हूँ थोड़ा तो एक जो नॉर्मल आप वेबसाइट देखते हो वो वेबसाइट आपके सामने, यहाँ पर इतनी कितनी देर लगी इसको बनाते हैं, बस 10-15 मिनट के अंदर आपके सामने ये इसे, अब ये इसमें छोटी छोटी चेंजिंग्स हैं वो आप जितनी मर्जी है करना चाहो वो आप कर सकते हो। और अच्छा इसको मैंने फिर कंटेनर दिया है, इस चीज़ को कंटेनर नहीं पास करना था, वरना अक्सर ये होता है कि आप यहाँ आओ नेबार को, इसको भी वैसे लगाते कंटेनर डायरेक्ट क्लास आगे देखते हैं, नेबार भी कंटेनर के तौर पर, ठीक है। अब नैप बार को स्टिकी वगैरह करना हो आप पोजीशनिंग पास कर सकते हो भाई, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन STICKY स्टिकी, और क्या होता है टॉप, टॉप आई थिंक 0 इस तरीके से हो जाता है, और इंडेक्स भी पास कर, हाँ क्या चीज, नहीं नैप बार के लिए तो स्टिकी यूज करते हैं, नैप बार के लिए ये यूज नहीं करते, div div dot container नेबर के लिए वो यूज नहीं करते, ये आ गया ठीक है हो गया, स्टिकी और टॉप जीरो ओके है, लेकिन इसके लिए हाँ उसमें यही एक ही छोटा सा इश्यू है, वो जी इंडेक्सिंग वाला कहाँ चला गया, इसमें एक एरर दे रहा है, वो वैसे भी जर्नल भी यही करेगा, मुझे सिर्फ इसको यहाँ होल्ड करना, ये जो चीज ऊपर से गुजर रही है ना ये असल में इसके ऊपर से जा रही है, नेबार अपनी जगह देख रहे हो, वो नेबार अपनी जगह स्टिकी है, ये चीज है, वो तो इसकी इंडेक्सिंग बढ़ानी होती है, अब ये मुझे ये नहीं पता जी इंडेक्स डायरेक्ट यहाँ से दिया जाता है 999, वरना वहां से देना पड़ेगा, नहीं यहाँ से नहीं दिया जा रहा, वैसे एग्जांपल में फिलहाल लगा देता हूँ, क्लास सर्च कर लेना इसकी वहाँ पे, मैं कर देता हूँ नेबार को दे देते हैं यहाँ पे स्टाइल, इसके लिए भी क्या स्टाइल करना है किसी चीज़ के लिए, यही स्टाइल लिख कर देते हैं जी इंडेक्स 999 और पोजीशन स्टिकी किसको किया हुआ, ठीक है भाई ये चीज़ आ गई, बाकी इनमें नेबार में और किसी चीज़ को इंक्रीज करना हो वो आप कर सकते हो, पी वाई दे दो थोड़ा सा 2-3 ताकि पैडिंग या वो बढ़ जाए, 3 कर दो 5 कर दो, ये रहा नेबार बढ़ जाए, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 कर दो या 2 कर दो, नेबार थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा दे, टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दो, ठीक है भाई। बाकी जनरली ये करना हो टॉप बॉटम से आप ये भी ले सकते हो, इसको ऑलरेडी भी मार्जिन दे सकते हो, यहाँ जो MT3 कर दो, नेबार थोड़ा डाउन हो जाएगा, ये रहा असल वेबसाइट जब आएगी तो इतना गैप होगा, नेबार यहाँ ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा, अब ये काम आपको पता है अगर उससे करना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ बूटस्ट्रैप पे एक लगाते हैं फुटर, फुटर फुटर डायरेक्टली ये यार पेड़ वाले क्यों ले रहे, बैक जब
बहुत चीज़ें हमने देखी हैं इंट्रोडक्शन वाले पेज पर। फुटर बूट स्ट्रैप 5, इसका मतलब इसमें बना बनाया डायरेक्ट फुटर नहीं है, ये जो फुटर दे रहे हैं सारे पेड वर्जन शो कोड, ये एक दिया हुआ है तो मारते हैं कॉपी। ये अच्छा, ये बूटस्ट्रैप का नहीं, बूटस्ट्रैप की ओरिजिनल वेबसाइट पर नहीं है, जर्नली किसी ने बना के दिया हुआ, ये वो है ग्रेड कॉलम वॉलम सब बना हुआ दिया है, पूरा फुटर तैयार है। आओ देखिए क्या स्टार्ट है, आपकी वेबसाइट हो गई पूरी, यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म, इतनी सी देर में बन जाती है। ये तो अब हम रेंडमली चीज़ें बना रहे हैं, वरना इसको अगर प्रॉपर वे में लेके चलें बहुत आला तरीन वेबसाइट आप क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं सारे सेक्शन हर चीज, गेट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और इसको भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा H1, और यहाँ आने के बाद इसको क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर MY, इतना ही आ जाएगा। और टेक्स्ट सेंटर अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब ऊपर कहीं टेक्स्ट वो अप्लाई हुआ हुआ होगा। अच्छा डिस्प्ले, अच्छा एक और चीज़, हाँ ये भी देख लो, एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले LG ब्लॉक, ठीक है, ये एक स्क्रीन तक देखेगा, एक स्क्रीन के बाद ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखो इस स्क्रीन पे आके ये गायब हो जाएगा, चली गई वो हेडिंग गायब हो गई, देखा उसका क्या किया, डिस्प्ले इसने ब्लॉक किया, मतलब एक छोटी स्क्रीन पे जाने के बाद गेट कनेक्टेड वाला काम क्या हो जाए, गायब हो जाए डिस्प्ले, तो बस इस स्क्रीन तक ये दिखाई देगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये बनी बनाई आपके पास चीज़ें ढेर सारी आ गई, अब एडिटिंग का काम है, इसको आप जितना अच्छा एडिट कर सकते हो आप करो, कलर दे सकते हो कलर दे दो, पूरे को मैं ये कर देता हूँ बीजी, बहुत ही भद्दा कलर है, ये लगा के देखते हैं। अच्छा ये एक चीज़ और है कि 100 पर आया हूँ, मैंने कार्ड्स में रखा ले एक्स्ट्रा लगाए, तो हम एक आध कार्ड रिमूव कर सकते हैं या 3 कार्ड ऐड कर सकते हैं। कार्ड का सेक्शन ये है, ये बनाया था, ये तो कैरोसोल वाला है, सेक्शंस बना के उनको देखो, उसने एक बंदे ने एग्जांपल दिया किस तरीके से उसने डिफाइन किया, ये इस तरीके से अगर आप डिफाइन कर दोनों चीज़ों को आसान हो जाए, ठीक है भाई। रैंडम ये चीज़ें आपके पास आ गई, और मज़े की चीज़ ये इसमें तकरीबन चीज़ें रिस्पॉन्सिव चल रही हैं, सिवाय अभी हमारे जो हमने इमेज दी होगी वो थोड़ा सा पंगा करी होगी, देखो यहाँ आया नेबा रिस्पॉन्सिव बन गया, यहाँ आ जाओ ठीक है, इनको सेंटर वेंटर कर देना इस टाइप पॉइंट पर, बाकी चीज़ें तकरीबन क्या है हमारे पास रिस्पॉन्सिव चल रही है, ये सब रिस्पॉन्सिव, सब रिस्पॉन्सिव, ये रिस्पॉन्सिव है, ये सेक्शन पूरा रिस्पॉन्सिव है, ये वाला जो चल रहा है ना इसके अंदर टेक्स्ट का कलर है फुटर के अंदर, वो उसने दिया हुआ है म्यूटेड, वो आप चेंज कर दो, म्यूटेड की जगह कर देता हूँ मैं टेक्स्ट डेंजर, ये इस पॉइंट पर सब रिस्पॉन्सिव बनाया होगा, इस पॉइंट पर सारी चीज़ें A to Z इसने क्या दी है रिस्पॉन्सिव समझ गया। और अच्छा इसके सेंटर आने के लिए भी क्या वजह है, मैं कार्ड्स वाला इशू भी हम ज़रा सॉल्व करते हैं, कार्ड वाले इशू में ये होगा कि डिस्प्ले फ्लैश रैप बिटवीन दिया हुआ है, हम इसको कर देते हैं अराउंड, हाँ सेंटर हो गया ठीक है भाई, ये क्या हो गया ऑटोमेटिकली सेंटर, कार्ड भी सेंटर हो गए, अगर ये छोटी स्क्रीन 400 पर भी जा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर तो ये चीज़ें, अब ये मेन्यू है ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा हो तो मेन्यू भी रिस्पॉन्स करेगा, ये देखो ये अब आपके लिए नॉर्मली बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बूटस्ट्रैप से ये चीज़ें क्या हैं बहुत ज़्यादा आसान है, तो बूटस्ट्रैप का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे चीज़ें लाने में, ये तो इसके जितने कंपोनेंट्स हैं सब पर हम पूरी डिटेल के अंदर देखेंगे, अच्छा ये कंपोनेंट कैसे काम करता है, जनरली मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अब आपके पास पूरा वीक पड़ा हुआ है, जाओ ये सारे कंपोनेंट्स अच्छे से देखो, इन पर ट्राई करो ठीक है। ये आते हैं बूटस्ट्रैप 5 पर,
इतने कंपोनेंट्स है वन बाय वन, और इतने मजे के कंपोनेंट्स है फॉर्म के लिए। पता है क्या होता है, आपको एक चीज दिखा देता हूँ, बूटस्ट्रैप, ये कंपोनेंट्स, आपके नवाजी मोडाल पर आ गया। अब एक चीज देखनी है आपने सिर्फ, ये बटन है, ये मोडाल्स बने बनाए दिखाएगा, लॉन्च मोडाल ये रहा, इसको कॉपी करो, ये सिर्फ एक बटन का कोड मिलेगा आपको। अब ये कोड कहीं स्टैंडर्ड जगह पे आप रख सकते हो, कहीं पर भी, ठीक है। फिलहाल मैं आर्जी तौर पे काम करता हूँ, इन सब कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नेपार के ऊपर लगा रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद इसको सेट करते हैं। क्लिक किया, देखो एक मोडाल आ रहा है, सब ये करके देखो यहाँ क्लिक किया, मोडाल बना हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर पता है इसको क्या करते हैं, मोडाल है ये, क्या ये दिया हमें मोडाल, साइन अप, साइन अप किया। अब इधर आओ, इसमें फॉर्म कहाँ था, कॉपी किया इसको, बताओ मोडाल ये रहा, मोडाल की बॉडी ये रही, ठीक है भाई। अब इस बटन को क्या करना है, इस बटन का भी बहुत आसान काम करना है, इसको पकड़ो मोडाल को, इसको कर दो यहाँ से ट्रिगर बटन, ये रहना मोडाल और ये आ गया ट्रिगर बटन। अच्छा ये दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों एक डिब में डालना पड़ेगा आपको, या मैं खैर एक साथ भी रख दो इनको, बहुत है। कट किया, नेबार कहाँ है हमारा, नेबार में कहाँ बटन कहाँ है मेरा, बटन जहाँ बनाया हुआ है सर्च है, उसके नीचे ऐसे इसको बना देते हैं जर्मनी। अब ये मार्जिन वार्जन दे देना। अच्छा एक चीज़ है कि एक इशू दिया है, ये बाकी बड़ा इशू है, इसको भी सॉल्व करते हैं, कि ये जो इसका मोडाल है ना वो इसके साथ तंग करेगा नए बार के अंदर, ये क्यों करेगा इसकी डिटेल में आपको आराम से समझाऊंगा। ये आ गया, इसको क्योंकि हमने इससे बाहर बनाना पड़ेगा, बार का फॉर्म ख़त्म हो जाए हटाने से क्या क्या होगा, आप जरा देखते हैं व्हाट विल, अगर मैं स्टाइल हटा दूं पहले तो ये देखते हैं, आओ ये बन गया आपके भाई ये। अच्छा एक चीज है, आओ एक चीज चेक करते हैं। अच्छा नेबर के साथ बटन भी आ रहा है, अजीब गरीब बटन आ रहे हैं, देखो है ना कुछ हो रहा है, चल रहा ठीक है, चलने तो ऐसे ही, समझ गया बात, ये आपके पास आ गया ऐसे, नेक्स्ट प्रीवियस, ये भी असल में बटन बने हुए सारे, ये नेक्स्ट प्रीवियस के बटन, ये कहां बटन था कहीं नेक्स्ट प्रीवियस, ये बटन एरो में आ रहा था, जो एरो था ना ये वो बटन है, सिर्फ स्टाइल हटाने से ये हो गया इसका, और ये लिंक लगा दिया, क्या बात है। अच्छा अब अगर स्क्रिप्ट का लिंक हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा ये भी होता है गो टू समवेयर, ये तो खाली लिंक दिया हुआ, अकॉर्डियन भी नहीं चलेगा। स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट का काम क्या होगा, इससे ख़त्म होगा। इसीलिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर अभी जो आपके पास खटक रही हैं, जो रुक रही हैं, वो स्क्रिप्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो स्क्रिप्ट को हम तभी ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं जब हमने खुद पढ़ी भी हो, तो स्क्रिप्ट अभी आपने पढ़ी नहीं है जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट को पढ़ोगे आपके लिए ये काम भी, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे यार इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड, अपना कोड बना के लगा दोगे, वो भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं, कहीं ये है कि जावा कोड डिज़ाइन इसका यूज़ कर लोगे, स्टाइल अपना लगा दोगे, वो भी आपके लिए इजी। ये है, इसके ऊपर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इनके ऊपर कुछ बनाने की कोशिश करें, जितनी मेहनत करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है, कोई सवाल है किसी का, जी इमेज के ऊपर टेक्स्ट बहुत आसान है, देखो उसके लिए आप जाओ मोटरसाइकिल को बोलो कैरोसोल दिखा दें, बोलेगा ये वाला एक है इससे सादा है, ये बिल्कुल सादा है, उसको बोला अच्छा ये
उसको बोलो ये, बोलेगा देखो ये टेक्स्ट वाला है, बोलो कॉपी थैंक यू, यहाँ आने के बाद कर दो पेस्ट खत्म उठा दी। अगर ये लगा दोगे ना इस कंटेनर में ना, ये अभी मेरे स्टाइल का सत्यानाश हो जाएगा। वैसे 12 अगर मैं ये लगाता हूँ तो अब ये सारी चीज़ें आ गई, जाहिर सी बात है इमेज लगेगी तो इमेज के ऊपर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट भी आ जाएगा। इमेज का लिंक कहीं से कॉपी करते हैं, इमेज कोई है, HD वॉलपेपर है ये, क्या है ये, अब वो वही हाइट वेट देनी पड़ेगी बस। कहाँ है एड्रेस, यहाँ आ जाओ, ये पीस किया आपने, ये पेस्ट किया, ये आप ज़्यादा भी बना सकते हो, हर एक चीज़ को कलर दे सकते हो, सब मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ये लाइन से हम पढ़ेंगे, आ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट उसके साथ साथ चेंज भी हो रहा है, थर्ड कलर जितने ऐड करने का, ठीक है। अभी इसको हाइट नहीं दी हुई, हाइट अगर इनको दे देना इमेजेस को तो फिर ये जो इशू कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी ना करें, जितनी मर्जी ऐड करो भाई। ये मैंने अभी मसला ये, अब मैं ये नहीं करना चाह रहा, इसको एक को ऐड किया है तो फिर इसको यहाँ से ये वाली इमेज है इसको हटाओ। ये तीन जगह मैंने एक ही लिंक पास किया ना, आप दूसरी जगह कोई और लिंक पास कर दो यार, ये वाला लिंक पास कर दो, तीन इमेजेस लगी हुई है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ आते हैं, यहाँ ये वाला पेस्ट करते हैं, इधर आते हैं, यहाँ ये है, इस वाले पे ये नहीं है। अब वहाँ मैंने दोबारा बार बार मैं तीन लिंक तो नहीं, मैं तो जर्नल अप क्या, हाँ हाँ ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको आप डार्क कर सकते हो, ऊपर ला सकते हो, हाँ इसको मार्जिन वगैरह देखे ऊपर ला सकते हैं, वो तो हर चीज़ पॉसिबल है। ये भी आप देखोगे पोजीशंस हैं, वो बताया ना ऑपिसिटी नहीं सॉरी लीनियर ग्रेडियंट सेट, बहुत सारी चीज़ें आप खुद सेट कर सकते हैं उसके, तो वो तो जनरली आपने करना है। ये सब मैं वन बाय वन समझाऊंगा यार, ये कैसे इसमें क्या चीज़ छेड़ सकते हैं क्या चीज़ नहीं छेड़ सकते, सब डिपेंड करेगा ये हटाने से क्या मिट जाएगा, क्योंकि कोड एडिट करना है तो हर पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर आप लोग पहले तो ये कोशिश करना है, इसको पूरा इस वीक दबा कर इसको देखो, चीज़ें यूज़ करो। ज़्यादातर जो मैं बूटस्ट्रैप से यूज़ करता हूँ, नैपबार तो बूटस्ट्रैप का यूज़ करता हूँ, कार ज़्यादातर बूटस्ट्रैप से इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादातर बूटस्ट्रैप से यूज़ कर लेता हूँ, फॉर्म कभी कभी बना लेता हूँ, वरना फुटर वगैरह अक्सर कभी बना भी लेता हूँ, कभी कॉपी पेस्ट करके खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जर्मनी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, जो जैसे ये मोडाल वाला काम था यार, ये खुद बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम ज़ाया होता है, बहुत टाइम, तो मेरे को बना बनाया है तो मैं ये यूज़ करूँगा। ये एक नहीं है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस के लिए है, बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कैनवास है, अभी ऑफ कैनवास क्या पता है, ये बहुत आला चीज़ है, बहुत आला ये होता है ऑफ कैनवास, ये कुछ है या नहीं देखा, ये आप क्लिक करके अपने इस पर लगा दो, ऐसे साइड पर आ जाएगा, इसके अंदर आप कुछ भी शो करा दो, बंदे की प्रोफाइल और ये इसका नाम दे दो प्रोफाइल, क्लिक करें जैसे साइड से उसकी इमेज लगी हुई हो सेंटर में और सारा कुछ, जैसे लिंक्डइन का आपको नहीं बनाए थे वो पूरा सेटअप आ गया, इस बंदे की फोटो है, उसके नीचे इंट्रोडक्शन है सारा, वापस क्लिक करेगा क्रॉस पे बन जाएगा, बनी बनाई चीजें, वो अब आपका माइंड है जैसे बना, समझ गए, एनी प्रॉब्लम। अच्छा ये चार्ज कब से हो ही नहीं रहा है, मैं समझू मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है, ठीक है भाई, इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के अगले पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे।